सो हेलो यूटेक फैमिली, कैसे हो आप सब। तो यार पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे आप HP पे में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे आप लोग यूटेक पेट्रोल सर्विस के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस चीज़ पे मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कैसे आप HP पे से पेट्रोल डलवा सकते हो और क्या प्रोसेस होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिए। अब बात करेंगे कैसे यूटेक ऐप के माध्यम से HP पे में पैसे को ट्रांसफर करोगे, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यूटेक ऐप ओपन करना है एंड यहां पर जो पेट्रोल वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन होगा वो हट जाएगा जैसे आप लोग रजिस्टर कर लेते हो। अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे एंड इसके बाद हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र का। जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आ गया है, तो जैसे मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है अमाउंट कितना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 रुपया डाल के दिखाता हूँ। सो ये 1 रुपया हमने कर दिया। इसके बाद हमारा जो ट्रांसफर पासवर्ड है वो हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ एंड जैसे मैं इसे कन्फर्म तो आर यू श्योर, और इसके बाद जैसे हम लोग यस करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट और करना है एंड इसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा बैक जाएंगे और हमारा जो HP पे वाला ऑप्शन है इस पे हम लोग ऐप को जो है ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम लोगों को अपना ID जो होगा एम पिन जो होगा उसको हम लोग एंटर करेंगे। एंटर कर दिया हम, इसके बाद हम लोग देखो यहां पर मेरे पहले 100 रुपए थे। अब मैं आपको एक बार व्यू स्टेटमेंट में जाते हैं। व्यू स्टेटमेंट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर लो कि मेरा 1 रुपया आया या नहीं। तो ये देखो अभी के टाइम पे हम लोगों का जो टाइम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें पैसा आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से HP पे में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अब बात करते हैं यार, आप लोग चाहो तो एड मनी करोगे तो आपको सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा इससे, यूटेक के माध्यम से करोगे तो यूटेक में आपको कैशबैक पासबुक में जनरेट हो जाता है। अब पे एस QR पे बस आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है और आप लोग देखोगे आप लोग QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कैसे करते हैं अगर ये चीज नहीं आती है तो आई बटन में वीडियो है, इसे जाके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस, कैसे आप HP पे के माध्यम से कैसे आप लोग पे करोगे और साथ साथ कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने तमाम यूटेक ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूटेक से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाती है। और अगर आप कमेंट करके मुझे कोई टॉपिक कोई डाउट है आपका तो वो भी बता सकते हो। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।